नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सूरत स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाना शुरू, सीमेंट यार्ड खाली, सूरत से चलने वाली ट्रेनों को सुबह चलाने की मांगी अनुमति। सूरत स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना आखिरकार 6 साल बाद शुरू हो गई, जिसमें सीमेंट यार्ड को खाली कराकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब नए प्लेटफार्म होंगे। अब 2016 में की गई घोषणा के अनुसार 877 करोड़ की लागत से नए रेलवे स्टेशन तैयार किया जाएगा। इस परियोजना को 48 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। RLDA, SITC, SMC और GSRTC भी इनमें भाग लेंगे। BRTS को भी जोड़ा जाएगा। सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में मौजूदा स्टेशन प्लेटफार्म को धीरे धीरे ध्वस्त किया जाएगा और निर्माण शुरू किया जाएगा। फिलहाल सूरत से चलने वाली ट्रेनें ओधना से चलेंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी गई है। सूरत स्टेशन का काम शुरू होने पर ओधना स्टेशन के ऊपर बने 2 नए प्लेटफार्म का इस्तेमाल ट्रेनों को डाइवर्ट करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, सूरत अमरावती एक्सप्रेस, सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस सहित कई इंटरसिटी और मेमू ट्रेनें सूरत स्टेशन से प्रस्थान करती हैं। ये सभी ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर 4 से उड़ान भरती हैं, लेकिन अब इस ट्रेन को ओधना की ओर मोड़ने और वहां से लेने की कोशिश शुरू कर दी गई है। भारत देश ना सौथी पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब स्टेशन नु खातमुहूर्त जे प्रधानमंत्री श्री ना नेतृत्व में थयु एनु काम शुरू थई चुक्यु छे। 30 नवेम्बरे एनु टेन्डर 878 करोड़ नु अपाई गयु छे। कामकाज नी अंदर 3 तबक्का में काम थशे। पहला तबक्का नी अंदर जे स्टेशन नु काम शुरू थयु छे एमां लोकोने अगवड ना पड़े ए प्रमाणे गोडाउन नी अंदर एनु सीमेंट, एनु फेब्रिकेशन वर्क अने कोई पण सीजन में काम झड़पथी 4 वर्ष में काम पूरु थाय एना माटेनी तैयारीओ अमे शुरू करी दीधी छे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तो ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।